distinguished speakers, and very distinguished audience. You know, while sitting there in the chair, I was genuinely feeling fish out of water. As a military man, why am I sitting in such a politically live audience? 40 years I have just been in uniform, and I have had just 5 years of exposure with politics. And when I listen to these great personalities, every minute I was getting educated. And that took me my mind to the day when I was going as governor of Assam. If you recall, all those who have to go as governors had to meet various big personalities in Delhi before leaving. I was no exception. I had to meet the great Prime Minister, Sri Vajpayee Ji, just before leaving. So I went to the office, and whoever has been to Prime Minister's office, there's a big room, and you have to go through a lot of securities, and then you go and sit down in a waiting room, waiting for your turn. I also lined up waiting for my turn, and suddenly the PA or the staff officer came and said, "General Ajay Singh." So I went there. This is the first time in my life I was meeting the Prime Minister of India. It was a great honor and a great occasion for me. There, this great personality was sitting. He had just been operated on hip. So I quietly went and sat down there. And he was very kind. He got up. He said, "General Saab, baith hai." I quietly sat down. Haath jode, pair chue. Baithe, baithe. "General Saab, maine aapka pura..." Now, I'll give you quote unquote exactly what happened. "General Saab, aisi baat hai ki maine aapka dossier to achhi tarah dekh liya hai. Aur military ke baare mein aapko pura gyan hai. Isiliye maine aapko is sensitive subject state mein bhejne ka nirnay liya hai." चुपचाप सुनता रहा मैं। "लेकिन आपको पॉलिटिक्स के बारे में कोई ज्ञान नहीं है?" चुप। तो कहते, "अगर आप बुरा नहीं माने, ग्रेट मैन लाइक हिम, अगर बुरा नहीं माने तो मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूं?" आई वॉज एब्सोल्यूटली, यू नो, आई डिडंट नो व्हाट टू विच वे टू लुक। ही सेड, "सर्टेनली सर, सिर्फ एक बात बताता हूं, आप वहां जाओ, सबकी सुनना, जो भी कहे सबकी सुनना, पर वो ही करना जो आपके दिल में है। जब अभी मैं यहां बैठा हुआ था, मैं सबकी सुन रहा था, राय साहब, उन्होंने पूरी हिस्ट्री बता दी, विद एजुकेशन, बजाज साहब, उन्होंने पूरी एग्जैक्ट कैसे इंडिया को जाना चाहिए बता दिया, श्याम जी ने इतनी मोटिवेटेड तरीके से आपको उत्साह दिया, फिर मैंने कहा, अजय सिंह तू क्या बोलेगा जाके, चुपचाप बैठा रहे?" मैंने कहा कि अभी आया ही हूँ और चेयर पे बिठाया तो कुछ तो बात करनी पड़ेगी। उस एजुकेशन के बाद मुझे ये वाजपेयी जी की बात याद आई। मैंने वापस दोबारा आज का सब्जेक्ट पढ़ा, एमर्जिंग पॉलिटिकल ट्रेंड्स, कंसर्न एंड रिस्पॉन्सेस। मेरा वायर रिस्पॉन्सेस पे गया, ऑडियंस की रिस्पांस करके सुन के मुझे पता लग गया कि होने क्या वाला, तो अभी क्या बात करनी है। कंसर्न्स आपको बता दिए, रिस्पांस पता लग गई, मैं अभी क्या बात बताऊं आपको? सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं,
यहाँ बहुत नेशनल बुजुर्ग बैठे हुए हैं, आप और हमारा, उन्होंने कहा ना किसी के बाल काले हो गए हैं, किसी के बाल काले किए जा रहे हैं, किसी के बाल उड़ गए हैं, आप सब बुजुर्ग हैं, आप और हमारा टाइम हो चुका है खत्म, अभी टाइम है हमारे बच्चों का। वो बहुत एम्बिशियस, डायनेमिक और इंटेलिजेंट लड़के हैं, अगर उनके अंदर मातृभूमि की बात, तो मातृभूमि उत्पन्न हो गई तो हिंदुस्तान को कोई नहीं रोक सका। एलेक्जेंडर को अगर हिंदुस्तान ने इंडस पे रोक दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जाके ईरान को कैप्चर कर लिया था, अशोक वर्धन ने पूरा हिंदुस्तान कैप्चर कर लिया था, मुसलमानी मोगलों ने हिंदुस्तानियों की तीव्र पूरी हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा करके रखा, और विदेशी अंग्रेजों ने 2 साल तक हमारे को दबा के रखा, उन्होंने नहीं दबाया, हिंदुस्तान ने अपने आप को दबा के रखा, इतनी ताकत है इस देश के अंदर। इसीलिए सबसे बड़ी भूल नहीं पॉलिटिक्स में है, नहीं पार्टियों में है, नहीं आर्मी में है, नहीं नेवी में है, नहीं एयरफोर्स में है, हिंदुस्तानी में है, वो अपने आप को भूल चुका है। मैं हूं कौन, मेरी मातृभूमि क्या है। मैं फर्स्ट टाइम इंग्लैंड गया था ट्रेनिंग के लिए, वहां हक्का बक्का हो गया, जिस दिन वापस लंदन या पालम एयरपोर्ट, पहले तो डकोटा चलती थी, पालम एयरपोर्ट पर लैंड किया, जंप करके मैंने मातृभूमि का सिर में लगाई मिट्टी, दुनिया कहती है ये फौजी आर्मी क्या कर रहा है, उस किस्म की भावना पैदा करानी है बच्चों के अंदर। बाकी अपने आप वोटिंग होगी, ये तो तमाशा है, यहाँ से निकलती है वोटिंग, यहाँ से निकलती है, हाथों से नहीं निकलती, अंगूठों से नहीं निकलती, ये मैंने भी लगवा रखी है। अभी आप याद रखिए, मैंने कुछ गवर्नर के दिनों में राजनीति सीखने की कोशिश की, जो भी मेरे पास आते थे, बहुत बड़े बड़े VIPs थे, वो कहते योर एक्सलेंसी हाउ इज इट दैट अ कंट्री लाइक योर्स विच इज सो वेरीड, सो मेनी रिलीजन, दिस एंड दैट, ऑल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैव गॉन इनटू अ कूप, व्हाई नॉट इंडिया। सो आई यूज्ड टू जस्ट कीप क्वाइट एंड ड्रामेटिकली लुक अराउंड एंड ही सेड देयर इज देयर आर फ्यू रीजन वी वुड लाइक टू नो अबाउट देम, वी लाइक टू नो अबाउट देम। आई सेड लेडीज एंड जेंटलमैन, you don't know an Indian, the genius of Indian is he governs himself, he does not require a governance, he does not require governance, if governance come like Ram Raj he is fortunate, and as somebody has said rightly so, we are in the threshold of fortune. And it's going to happen, and I am optimistic, and a bit of a oracle type man also. It's going to happen, and I can tell you, we are looking for rosy days. Just before I sit down, about the famous AAP. आजकल समुद्र मंथन हो रहा है, एक तरफ राक्षस है और एक तरफ देवता है, भाई कोई डंडा तो चाहिए ना बीच में, आपको मिल गया है, अभी घुमाओ, अपने आप अमृत निकलेगा, और वो अपने आपने ऑलरेडी तालियां पीट के बचा दिया है कहां से निकलने वाला है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।